तालीम क्या कर रहा हूँ? ये देखो दीवारियां मन रही हैं तालीम की। तो लाइटर लेके गए पापा का। सुनो तो, ये कपड़े 3 दिन हो गए यहाँ रखे हुए, इनको ते करो। मैं खाना बना रही हूँ। खाना क्या खाना है ये बताओ मुझे, क्या बनाए? आटा तो गूंद दिया मैंने, रोटी पहले ऑप्शन तो दो, ये तो आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से होंगे? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ताली मेरे पैर पे बम फोड़, तुम बहुत हरकतें करते हो। इनकी दीवारी मन रही है। अब बैठी हूँ मैं सब्जी वाले के इंतजार में। मियाँ से बोला कलेजी मंगा लूँ, वो बना लूँ, तो वो कहता कलेजी नहीं खाना, दाल बना, दाल कली खाइए। मियाँ को तारीफ कर रहे हैं, मियाँ को पापा की दुकान पे से बुलाया है। पापा इधर पीछे रोड पे काम कर रहे हैं, इनकी गाड़ी आ गई थी, आज इनको दुकान भी नहीं भेजा मैंने। मैं क्या तुम घर में रहो मेरे, तो वो खुद भी नहीं गा। छुट्टी वाला दिन है, कल दिवाली थी और आज ना थोड़ा माहौल ऐसा सुना सुना है, दुकानें ज़्यादातर बंद है। तो कहना है कि देखो मैं जाता हूँ, कल देखो कल आज भी जाना है, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो ले आई थी पर छुट्टियाँ पड़ गएंगे और मैं जा भी नहीं पाई थी, और मेरी तबीयत और ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सुबह जल्दी उठने की। कहाँ जा रहा हूँ? दुकान जा, हॉस्पिटल जाना है मुझे, थोड़ा काम है तो वो भी करना है मुझे अब, क्योंकि मैं बहुत उलझी हुई थी, मेरा दिमाग भी बहुत उलझा हुआ था, तो इस चक्कर में ना मेरा कोई भी काम नहीं हो रही। अभी कपड़े तक वैसे ही पड़े हैं, 2 दिन से तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था घर में, और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, शनिचर इतवार पड़ गया था, सिलेंडर भी नहीं आ पाया था, अधूरा ही आया था। तो अभी तो खैर वो चल रही है, अगर अभी ख़त्म हो गया है एकाएक खाना पकाना तो स्टार्ट करूँ तो सिलेंडर अगर ख़त्म हो गया तो फिर मैं सिलेंडर भी मंगा ही लूँगी आज, ये काम भी मेरे पूरे हो जाएंगे वगैरह। तो मैंने कर लिए, बिस्तर भी साफ कर दिए, गलती करके मेरे कपड़े बचे मेरे तय करने, मैंने तो अपने कपड़े तय करके रख दिए। तारीफ की बारी थी, तारीफ के कपड़े अलग कर दिए। तारीफ भाई आगे खुद के कपड़े खुद तय करने लगे, और ड्रेस देखो अलग पटक दी, गला में ये टांग दो ताकि ना वो स्कूल के लिए परेशानी नहीं हो, जल्दी से उठा सकते। हाँ ये भी टांग दूंगी, रुक जाओ ना, मेरे पर नहीं फेंको, कपड़े फेंकना शुरू कर दिए। मैं यहाँ टांग देती हूँ इनके कपड़े, ड्रेस सिपारे की ड्रेस, यार मीन सलवार कुर्ता। चलो अपने कपड़े भी तो जमाओ अलमारी में जल्दी फटाफट, इतराओ मत, वो तो चकराओ तुम आजकल, चलेगा वहाँ कपड़े नहीं रखे। 2-3 दिन हो गए घर को देखा ही नहीं मैंने पलट के। मत कर ऐसी पागलो जैसी हरकत, वो घर में आ गए और इतनी जल्दी जल्दी कर रहा है, कहना जल्दी से खाना खिला दो, और जल्दी से कपड़े निकाल दिए मैंने इनके, कहना जल्दी से नहा लूं, दुकान जाना है। अभी 1 बजे कौन सी दुकान जाना है, मैं तो समझी छुट्टी कर ली है आपने। क्यों मियाँ छुट्टी नहीं करना, पैसे कमाना। क्या है ये, कौन कौन से हाथ है ये? काले पीले नीले हाथ, काले गंदे हाथ, देखो देखो कितना गंदा हो रही है, ये काम करके आ रही है, देखो कितना गंदा हाथ है, कितना गंदा हाथ है, पर इन हाथों की मुझे कमाई खाना पड़ती है, गंदा बदतमीज। वहां से परेशान कर रहा है, अच्छा जा जीते रहो, मैं भी कहीं चली जाऊंगी। हाथ साफ, अरे मत करो बेटा, मत करो, ये जबरदस्ती उचकने लगते, मजाक इनसे करो, ये पीछे से आया था, तुम्हारी अम्मी होती है ना, हर चीज हाथों में होती है तुम्हारे अब्बा के, तभी तो अब्बा को बुरा लगता है घर में, अम्मा नहीं होती तो। सीख माची चाहिए थी, अब सीख नहीं मिलती, सीख नहीं मिलती, मैंने पूरी माचिस ला के दे दी, इतनी अच्छी बीवी हूँ मैं, है ना, क्यों देखो तो, है ना। ये सबसे गंदा लड़का ये है, अच्छी वाली बीवी मैं हूँ, है ना, है ना, है ना, है ना, नहीं है अच्छा वाला हस्बैंड है, पहले गंदा था अब अच्छा हो गया, सुधर जाता है यार वक्त के साथ, अब इंसान सुधार लिया मैंने, अच्छी वाली बीवी हूँ ना मैं, इसलिए वक्त लगता है, सही बात है, कितने ही बुरे लोग हैं, एक दिन सुधार नहीं सुधर ही जाते हैं, हिम्मत से काम लेना चाहिए इंसान को बस। तारीफ गए दाल लेने, अब दाल ही बना रही हूँ, क्या करूँ, मेरा दाल खाने को तो दिल नहीं चाह रही है, कहा कलेजी पका ले, कलेजी को तैयार नहीं है, कि ना गोश्त नहीं पका, और दाल खाते नहीं, मैंने कल भी खाई थी दाल और फिर दाल, सब्जी वाला भी नहीं आया, हम कुछ सब्जी ले लेते,
कर मना कर दिया यार, अब यही नहीं खाते ना तो इसी किरायत कर देते गोश मोश में, तो फिर हमारा भी दिल नहीं चाहता दाल खाएंगे। बेबी अभी देखो क्या करते हैं, दाल के साथ पापड़ फापड़ सब तल लूंगी और दाल चूड़ा दाल चूड़ा पापड़ ही तल लेंगे। वो खा चली नहाने, ठंडा पानी है बहुत तेज, कब जाओगे मिया, कब जाओगे, थर थरा जाओगे मत ना, सर्दी पड़ रही है बहुत तेज वाली, अभी से मुझे सर्दी लग रही है, मुझे तो कुछ नहाना जाना है, मैं नहीं नहा रही। हाँ कौन नहाएगा सर्दी आ सर्दियों में कौन नहाता है, हम तो नहीं नहाएंगे, ये तो अब नहीं नहा, कब नहाऊंगी हमें, सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी ना तब नहाऊंगी। चलो भाई बातों से कुछ नहीं होता, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, जाऊँ थोड़ी तैयारी कर लूँ दाल की, प्याज म्याज प्याज नहीं मतलब टमाटर वगैरह काट लूँ, दाल चढ़ाने की तैयारी कर लूँ, आटा भी गुना रखा है मेरा, अब बिहार घूम के गई थी तो थोड़ा सा आटा बचे हुए रखा है रात का, तो इसके भी पका लूँगी रोटी, शाम तक की डाल ही लूँगी। चलो मेरा गैस पे कुकर चढ़ चुका है, बना रही मूंग की दाल, और ये मेरे मसाले रखे हैं अदरक लहसुन लाल मिर्च हल्दी टमाटर नमक और प्याज तेल और हरी मिर्ची, तो मैंने तेल डाल दिया और ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि दाल भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी बना रही हूँ मैं तो खाऊंगी नहीं दाल, खा भी लूँगी थोड़ी बहुत खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी, खाना तो वैसे ही नहीं खिल रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे तो खाना नहीं खिल रही है, तारीफ भी नहीं खा रही है ढंग से खाना। थोड़ी मैं गर्म मसाला तो भूल ही गई थी इसलिए थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दूँगी बघार में, हमें टमा मेरी प्याज लाल हो जाएगी तो ये पूरे मसाले एक साथ डाल दूंगी मैं, और थोड़ा सा भून के दाल भून के थोड़ी सी इसमें पानी डाल दूंगी, हो रही है थोड़ी थोड़ी प्याज लाल काफ़ी हद तक हो गई, मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, कुकर से चलती है मेरी, टमाटर मसाला हो गया थोड़ी थोड़ी और कसर, मियाँ भी आ चुके हैं नहा धो के, जल्दी में बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना है, मेरा खाना पका नहीं है, इताली भाई बोले वो क्या कर रहे हैं तारीफ मियाँ, फिर हमें दाल डाल देंगे इसमें, पानी डाल के रख दी थी मैंने थोड़ी सी दाल में, पानी डाल दूंगा नहीं डाला जल्दी से चढ़ा, मैंने कुकर का ढक्कन लगाना, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया, ये दाल पक चुकी है, अभी पापा को टिफिन भी दे दिया है और ये अम्मी आ चुकी हैं, अम्मी दाल पक गई ना, देखो अब हमने सब बंद करेंगे, अच्छी है खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह, तो पापा को टिफिन भी लगा के दे दिया, वो भी चलेगा क्योंकि अगर सब बंद नहीं हो रही है तो उनसे मैं खा लूँ आराम से रुक के, तो इसलिए वो खुद चलेंगे। दीदी तुम तो एक काम करो, मैं दवा ववा नहीं खा रही, तुम कहना है मुझे 1 किलो दूध ला दिया करना रोज, तो मैंने तुम्हें 20 रुपये रोज दे दिया करूँगी, 1 लीटर दूध ला दिया करना, तो मतलब पागल हो रही है, 70 रुपये किलो है दूध 1 लीटर, तुम्हें 20 रुपये रोज देगी, कर लें अभी दर्दी, तुम खाना खा रहा हो ताली, अभी खाएंगे ना, खिला दो फिर मदर्स भी जाना है मुझे, तो फिर खा लो तुम भी, खाना निकल लिया है, किचन में झिझुल चुका, मैंने दाल ताली को दी थी तो ताली ने छोड़ दी, और कुकर खाली करके दालें निकाल के रख दी, कुकरियाँ रख दिए बर्तन में, बर्तन बहुत सारे धोना है मुझे, बर्तन सारी प्यार है, पापा ने सलवारियाँ रख दी ऊपर कर लेते हैं, देखो कपड़े का फैला है इसने, उतार के कपड़े ऐसी पटक दिए, हाँ खा लिया माशाल्लाह, अच्छे दबा दबा के खाया इन्होंने खाना, बस खांसी चल रही है, दूध है ना उसका, हाँ दूध भी रहेगा इसमें से, ना इसमें से क्या लाए हो, दवा लाए, क्या क्या लाए इसमें से, क्या क्या खाना है इसमें से, रसगुल्ले अलग कर दो, हमने मीठे में मंगवाया तो वो तो लाए नहीं, काले पीले हाथ, ये खाना इसमें से चारों से आधी आधी दे दो, ओके खुश होके सो जाओ अभी दुल्ले हम चच्ची के यहाँ गए थे, जब तक तो ये ठीक ठाक थे वहाँ पे खेल रहे थे, पता नहीं चला, और ये ना आते साथ इनको खांसी भी हो गई स्टार्ट, और सब हो गए, दाल तो मैं पका के गई थी,
चार एक रोटियां डाली है मैंने उनके लिए, क्योंकि हम लोग खाना खा के भी गए थे, वहां भी खा लिया। खा लोगे? दूध से कहना है पापा, दूध से दबा खाना है। रुक जाओ, हम दे रहे हैं अभी दूध गर्म करना। बहुत कड़वी होती है, चबा के खा ली क्या? कड़वी बाबा, ये पुड़िया वाली। यहाँ रात हो चुकी है और काफी लोग सोने की तलाश में। मैं भी लेट गई हूँ कि मेरी पेट बहुत तेज दुख रही है, शायद घर में आके तो और ज्यादा दुखती है जैसा लगता है। कहीं जाती हूँ तो मुझे महसूस ही नहीं होता बातों में किसी की, पता ही नहीं चलता कि दर्द हो रहा है। घर में आके इतनी तेज दर्द होने लगता है, लेटना ही पड़ता है। देखो लेटे दादी, आने के बाद तो तुम्हारे पापा इतने बिजी हो जाते हैं। आधा लीटर वाली दूध का पैकेट लाना, 10 रुपए की आएगी। हमने सुबह इनसे कहा था कि मियां जी हमें ना 1 लीटर दूध ला दिया करो, 20 रुपए ले लिया करो हमसे रोज। अकेले पागल हो रही कि 1 लीटर दूध 20 रुपए का आएगा, किला 70 रुपए लीटर है दूध। हमें कोई बुरा थोड़ी कहा, हमने 20 रुपए देने का कहा और हम 20 रुपए भी नहीं देंगे और 1 लीटर दूध रोज मंगवाएंगे तुमसे। जा, 20 रुपए भी गए। और गुलाबा ये काम है, खाना खिला दो ना, 1-2 कदम यहाँ 2 कदम वहाँ, फिर दरवाजे में झाँक, फिर अंदर आ। हाँ झाँक के फिर अंदर आए, फिर चलेगा, फिर दो फिर किचन। हम तो खुद यही करते पूरा दिन, अंदर किचन, किचन से यहाँ कमरे में, बस से आगे लाइफ ही नहीं बढ़ती। फिर ज्यादा गुस्सा आता है, छोड़ते सब काम काज, वो तैयार होते हैं, बुरखा ओढ़ते कहीं भी निकल जाते हैं। क्या करें भाई, ना कोई बात करने वाला, तारीफ से बात करो, ज्यादा देर बात करो तो कितना मी चुप हो जाओ, हमने बहुत देर हो गई बातें करते करते। वीडियो में बोलते रहते हैं जो बोलना होता है, कोई जवाब देने वाला भी नहीं होता वीडियो में, तो खुद ही बोलते रहते हैं जो दिल में आता है। मम्मी क्या कह रहा है? ये अम्मी पंखा साफ कर देना, तो गंदा हो रहा है। इतना प्यारा बेटा है, ये कह रहे अम्मी मैं सुबह है ना पंखा साफ कर दूँ। मेरे हाथ से पोछता है मुझे कर देता है। अरे बेटा हाथ तो मेरा भी नहीं पोछता, मैं भी कोई खंभे की तरह थोड़ी आई थी, ना हो जाती एकदम अपने आप खींच के लंबा। पंखा साफ करना है, मैंने अपने आप को थोड़ा सा यूं कर खींच गए, ऐसा भी नहीं होता बेटा। मुझे भी स्टूल पे और कुर्सी पे चढ़ना पड़ता है जब पंखा मतलब साफ होता है ना। गीला कपड़ा फेरती हूँ मैं तो, गीले कपड़े से साफ करती हूँ उसको, पोछा ला 3-4 बार उतरती हूँ, फिर वो धो के लाती हूँ, फिर गीला करती हूँ, फिर पोछ निचोड़ के लाती हूँ, उससे साफ करती हूँ अकेले दम से। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई इतना लंबा लेक्चर दिया है ना? जा दूध तोटा के रखो, कुछ नहीं करता। माशाल्लाह 12 साल का हो चुका है ना, काम नहीं कर रहा भाई भी 13 का हो गए यार। 12 साल के हो गए, किसने कह दिया 13 साल के हो? 14 साल है हमारी शादी को हुई है, नहीं हुए तुम 14 के, तुम हमारी शादी के 2 साल के बाद पैदा हुए थे। तुम 14 साल के कैसे हो गए? जबरदस्ती क्यों 14 साल का नहीं हुआ ये ना? 13 के भी पूरे नहीं हुआ, 12 में 12 के खत्म हो गए, 13वीं में अब लगे हो, अभी इस महीने से अक्टूबर से हुए थे हो। हाँ हाँ, तुम कितने साल के हुए? 8 के 50 के हो गए। लगते तो नहीं है तुम 50 साल का बुढ़ा है, 10 साल के बाद पेंशन लोगे। 10 ओल्ड पेंशन। अम्मी तुम कितने साल की हो? बेटा मैं 70-80 की तो हो गई होंगी, 60-70 साल की हूँ बेटा। मैं पापा से बड़ी हूँ 5-6 साल, है ना मी? पापा तो भी छोटे हैं, पापा का दूध ही उस दिन छुड़वाया था अम्मी ने उनकी, जिस दिन हमारी बातचीत पक्की हुई थी, है ना? चाय पी ली, कैसी लगी? खाना कैसा लगा? अच्छा था। तुम सोए नहीं अभी तक, खांसी रहो आज तक, क्या बात है? कुछ अच्छा तो देखना। नहीं, इनका ग्रेनी वाला गेम है ना,
वो हमने पापा ने डिलीट कर दिया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो गेम। आज की व्लॉग खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर।